भावना न्यूज एंड पूनम शर्मा। परिवहन विभाग द्वारा इंदौर में शुरू की गई जरूरतमंद महिलाओं की ड्राइविंग की ट्रेनिंग को केंद्र सरकार ने संभाला है। अधिकारियों की टीम ने नंदानगर के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निरीक्षण कर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 30 महिलाओं की बैच को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए हैं। प्रति महिला लगने वाला 18 से 21,000 रुपए का खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। जल्द ही नई बैच शुरू की जाएगी। इसका श्रेय आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी और एआरटीओ अर्चना मिश्रा को जाता है। उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा यह निकला कि केंद्र सरकार ने भी इनके कार्यों की सराहना की है। इधर परिवहन विभाग के अधिकारियों ने पहली बार इस तरह का प्रयास किया था। इसमें महिलाओं को सिमुलेटर पर अभ्यास के साथ गाड़ी चलाने, उसके रखरखाव और आत्मसुरक्षा की ट्रेनिंग दी गई थी। अब तक 130 महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कई महिलाओं की वाहन डीलरों के यहाँ नौकरी भी लग चुकी है, जबकि कई इलेक्ट्रॉनिक ऑटो लेकर अपने परिवार का गुजारा कर रही है। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि हम आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी और एआरटीओ अर्चना मिश्रा के सहयोग से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसकी जानकारी केंद्र सरकार को भी मिली है। वहां से दो अधिकारियों के दल ने यहां आकर हमसे इसकी जानकारी ली। हमने उन्हें एक माह चलने वाली ट्रेनिंग की पूरी जानकारी दी। अब हमें वहां से 30 महिलाओं को ट्रेनिंग देने के निर्देश मिले हैं। शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मिलने वाले फंड से महिलाओं को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। हम उन्हें लाइसेंस बनवाने और गाड़ी दिलवाने का भी प्रयास करेंगे। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।